टोटल अर्निंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 33,273 डॉलर की यहाँ पे टोटल अर्निंग हुई है। और जो यहाँ पे फाइल जो भी डाउनलोड हुआ है, जो इमेज यहाँ पे अपलोड किया गया था, वो डाउनलोड हुआ है सिर्फ 1694, 1694 ही डाउनलोड पे यहाँ पे 33,273 डॉलर की अर्निंग हुई है। हमने यहाँ पे फ़ोटो को डाला था और यहाँ से वो फ़ोटो सेल हो रहा है और अर्निंग हो रही है। जैसे कि लोग यूट्यूब वीडियो में अपने प्रोजेक्ट के लिए फ़ोटो को डाउनलोड करते हैं और कुछ पैसा पे करते हैं, जो भी फ़ोटो का कीमत होता है वो पे करते हैं और यहाँ से कमाई होती है। देखिए यहाँ पे था 583 डॉलर की यहाँ पे अनपैड है, ये अभी तक विड्रॉल नहीं हुआ है, ये पिछले मंथ का है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक फ़ोटो से जो कमाई हुई है, यहाँ पे 90 डॉलर तक की एक एक फ़ोटो का सेल हुआ है, 22 डॉलर, 99 डॉलर, ऐसे करके यहाँ पे एक एक फ़ोटो से कमाई हुई है जो हमने अपने स्मार्टफोन से खींचा था, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये कैसे आपको कमाना है और कैसे फ़ोटो अपलोड करके यहाँ पे ऐसा ही अच्छी खासी अर्निंग करना है, तो चलिए मैं आपको पूरा लाइव बताऊंगा कि कैसे आप भी अपने फ़ोन से और अपने कैमरे से फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करके और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, जैसा कि अर्निंग आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे इसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वेबसाइट का, तो यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या करना है, फ़ोटो क्रिएट करना है, सबमिट करना है और कमीशन पाना है, ठीक है, जो भी उसका पैसा है आपको पा लेना है। और ये जो वेबसाइट है 1 बिलियन यहाँ पे क्रिएटर्स को यहाँ पे पैसा दे चुकी है, यानी जो भी फ़ोटो यहाँ पे खींच के अपलोड करते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ पे आप 100% फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म शो होगा, ठीक है, ऐसा फॉर्म शो होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, ठीक है, और यहाँ पे निक नेम डाल देना है जो भी आप यूज़र को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के यहाँ पे टिक कर देना है और आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और छोटा सा एक और फॉर्म होगा, उसको फिलअप करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। 100% फ्री में कुछ ही मिनट में यहाँ पे आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ही सेकेंड दिया है, कुछ ही सेकेंड में ये खुल जाता है। चलिए मेरा अकाउंट पहले से है, मैंने बनाया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, जो कि 100% फ्री में बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करता हूँ और साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड शो होगा और यहाँ पे आप मेरी अर्निंग भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी अर्निंग हुई है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अभी तक मेरी 94 डॉलर की अर्निंग हुई है और मैं इसको चाहूँ तो अभी पे आउट ले सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे आपको यहाँ से पे आउट लेना है और कैसे यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे 94 डॉलर की मेरी अर्निंग हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको फ़ोटो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसा फ़ोटो मैंने अपने फ़ोन से खींचा है और कैसा फ़ोटो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे मैंने अब क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोफाइल है, लकी जी के नाम से है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, कैसा इमेज है, देखिए यहाँ पे फ्लावर्स का इमेज है, यहाँ पे मैंगोज़ का है, यानी आम का जो पेड़ था उसमें जो आम लगे हुए थे उसका भी मैंने फ़ोटो लिया और यहाँ पे अपलोड कर दिया। कुछ फ़ोटो यहाँ पे रिजेक्ट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ फ़ोटो भी रिजेक्ट होते हैं, लेकिन वो फ़ोटो रिजेक्ट होते हैं जिसको आप जूम करके नहीं खींचते, यानी उस फ़ोटो को अच्छे से नहीं खींचते, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको फ़ोटो को एकदम अच्छे से जूम करना है और खूब क्लियर उस फ़ोटो को लेना है। कैसे लेना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप फ़ोटो को मोबाइल से खींच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपलोड कंटेंट पे क्लिक करना है, यहाँ से आप अपने फ़ोटो और वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है। और जो भी आपकी कमाई होगी आपके डैशबोर्ड में शो होगी, आप विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, JPG में और वीडियो भी फॉर्मेट यानी MP4 यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आप यहाँ पे वीडियो को और फोटो को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे आपको यहाँ पे
फोटो खींचना है। तो ऐसे क्या करना है, खूब अच्छे से एक फ़ोटो खींच लेना है। देखिए जैसे कि मैं इस पे जूम किया, थोड़ा इस पे फोकस किया और उसके बाद इसका पिक्चर खींच लिया, ठीक है। ऐसे करके आप और भी पिक्चर खींच सकते हैं। जैसे इसको भी खींच लेते हैं और इसको मैंने फोकस किया और फोकस करने के बाद इस पिक्चर को ले लिया, ठीक है। और इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ऐसे इस फोटो को मैंने खींच लिया, ठीक है, ये फोटो है। ऐसे करके आपको काफ़ी सारी फ़ोटो खींच लेना है। और मैंने उस फोटो को पेन ड्राइव में यहाँ पे ले लिया है मोबाइल के द्वारा, और उस पेन ड्राइव को मैंने अपने लैपटॉप में लगाया है, और वहाँ से मैं फ़ोटो को अपने डेस्कटॉप पे कॉपी करके रख दूँगा। और भी काफ़ी सारी यहाँ पे फ़ोटो मैंने खींची है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कैसे अपलोड करना है। और फिर यदि आपको कोई यहाँ पे गलती हुआ है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और याद रखिएगा कि जो यहाँ पर फ़ोटो आप एडिट कर रहे हो 4 पिक्सल से अधिक हो, ठीक है। यानी एडिट करें तो पिक्सल में कमी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी में कमी नहीं होना चाहिए। या फिर आप उसको एडिट ही ना करें, आप अपने मोबाइल से डायरेक्ट खींचे और डायरेक्ट उसको अपलोड कर दें, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा यदि आप एडिट कर रहे हैं पिक्सल कम होगा तो उससे क्या इशू आता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहीं से छोड़ के गया था, यहाँ पे फिर हमने वापस आ गए। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट मीडिया फाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से जहाँ पे भी आपने फ़ोटो खींच के रखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अपलोड में लगा देना है। तो मैं अपने फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दूँगा और ये फ़ोटो जो भी है ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। एक साथ यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो को और वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो मैं और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से और भी फ़ोटो जो है मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे 2-3 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जितना ज़्यादा स्पीड आपका नेट रहेगा उतना ही जल्दी यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो होगी वीडियो होगी वो अपलोड होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे फ़ोटो और भी है तो उसको मैं छोड़ता हूँ, बाद में लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए 3 ही लेता हूँ, ये काफ़ी है। वैसे तो समझाने के लिए कि काफ़ी है तो मैं इसको छोड़ता हूँ, इतना ही काफ़ी है। और इसको वेट करते हैं जब तक ये अपलोड हो जाए, ठीक है। अपलोड होने के लिए इसका थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो रहा है, तो 2 अपलोड हो गया है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है अपलोड होने में, ये काफ़ी ज़्यादा MB का है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, बाद में अपलोड कर लूँगा, क्योंकि समझाने के लिए 2 काफ़ी हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो नेक्स्ट का बटन शो हो जाएगा, यानी यहाँ पे डार्क कलर का हो जाएगा। और इस पर क्या करना है, आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड शो होगा। तो जैसे ही आपका अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा शो होगा। यहाँ पे कुछ एरर भी है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप जो भी फोटो खींचे हो यदि उसको आप एडिट कर रहे हो तो 4 पिक्सल से कम ना हो। एक जो फ्लावर का जो फोटो था मैंने एडिट किया और वो 4 पिक्सल से कम था, तो देखिए वो यहाँ पे एरर दे रहा है कि आपका जो फोटो है वो 4 पिक्सल से कम है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे एरर हो गया, वो यहाँ से फोटो रिमूव हो गया है, ये ऑटोमेटिक शटर स्टॉप का सॉफ्टवेयर उसको रिमूव कर दिया है। और जो 4 पिक्सल से अधिक है, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो है, वो यहाँ पे रह गया है और इसको आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको हटाता हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि आपको 4 पिक्सल से अधिक में ही फ़ोटो को रखना है, और चाहे तो आप डायरेक्ट उसको खींच के और अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिख देना है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है कि कैसा फ़ोटो है, यानी फ़ोटो जो है उसमें क्या है। तो ये भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग है वो मैंने इसको खींचा है और ये वही है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, आपको भी थोड़ा सा कुछ अच्छा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज कर लेना है, यानी जो आपका जो फ़ोटो है उस किस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी दी गई है, एजुकेशन है, हॉलीडे है, ठीक है, आर्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी दी गई है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये आर्ट्स पे आएगा, आर्ट्स पे, यानी क्योंकि किसी ने मूर्तिकला ने यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया है, अच्छे से बनाया है। और दूसरा भी आप यहाँ पे कैटेगरी चूज कर सकते हैं किस और कैटेगरी में आएगा। तो मैं आर्ट्स ही यहाँ पे
चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप लोकेशन डाल देंगे, ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। तो ये फ़ोटो को इंडिया में खींचा है तो मैं यहाँ पे इंडिया डाल दूंगा, या फिर अपना करंट लोकेशन भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मोर ऑप जो भी है, आप यहाँ पे और भी कुछ डाल सकते हैं या फिर इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इसको नहीं, इसको मैं कट कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कीवर्ड, कीवर्ड जो आप डालेंगे, यही वीडियो, यही कीवर्ड कोई सर्च करेगा तो आपका फ़ोटो इसके सामने शो होगा और वो इसको खरीद लेगा, डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छा अच्छा कीवर्ड डाल देना है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कुछ कीवर्ड डाल देता हूँ, जैसे शिवा हो गया। तो यहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा कीवर्ड यहाँ पे डाल देना, जैसे मैं शिवा लिख देता हूँ, गॉड ऑफ शिवा, ऐसे करके मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा कीवर्ड लिख देता हूँ, यही रैंक कराएगा। यदि आपको कीवर्ड फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊँगा। यहाँ पे यदि आप स्पेलिंग का मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, उसको आपको क्या करना है, रिमूव कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, तो उसको भी मैं बताता हूँ। पहले छोटा छोटा यहाँ पे दिखाने के लिए आपको कीवर्ड डाल देता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो यहाँ पे एरर आएगा, उसको रिमूव कर देना है और अच्छे से स्पेलिंग यहाँ पे डालना है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ से भी, यदि इससे कोई रिलेटेड है तो यहाँ से आप कीवर्ड को प्रेस कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से प्लस पे क्लिक करके। तो आपको और भी कीवर्ड चाहिए तो मैं आपको बहुत ही इजी सा बताता हूँ, जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कीवर्ड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइंड मोर कीवर्ड पे क्लिक करना है और आपका जो फ़ोटो है जिससे भी रिलेटेड है उस फोटो को यहाँ पर सर्च करना है। जैसे शिवा है, यानी शिव भगवान का लिंक है, तो यहाँ पे हम शिवा लिखेंगे और उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इमेज आ जाएंगी। तो आपको तीन इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और दो यहाँ पे शिवलिंग है, तो मैं दो शिवलिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये एक ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड आ गई हैं जिससे हम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एड ऑल पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एड ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये कीवर्ड है जो वो सभी माई कीवर्ड में आ जाएगा। उसके बाद इसको आप क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी कर लेना है और उसके बाद इसको आप कट करेंगे, ठीक है। कॉपी हो गया है और मैं इसको कट कर दूंगा, यहाँ से कट कर देंगे और अपने कीवर्ड में आएंगे और यहाँ पे ले आ करके कंट्रोल और प्लस भी दाब के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इंटर दाब देंगे। तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ जो कीवर्ड है उसमें स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये हमारा जो पोस्ट है यहाँ पे कीवर्ड ऐड हो गया है और इसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जो ये हमारा फोटो होगा और वीडियो होगा वो शटर स्टॉक टीम के पास चला जाएगा और वे इनको देख करके रिव्यू करेंगे। यदि काफ़ी अच्छा होगा ये, और यानी लोग इसको पसंद करेंगे, तो ये रिव्यू हो जाएगा और ये पब्लिश हो जाएगा और लोग यहाँ से आपका फ़ोटो खरीदेंगे या फिर डाउनलोड करेंगे। तो उसके बदले में आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे पैसा मिलता है, वो भी डॉलर में। और मैंने आपको अर्निंग प्रूफ दिखा दिया है, मैं आगे एक बार और आपको दिखाऊँगा अर्निंग प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ से ही हमारा जो पोस्ट है वो पेंडिंग में दिख रहा है क्योंकि ये रिव्यू में चला गया है और यहाँ पे 5 दिन का टाइम मैक्सिमम लगता है और यहाँ से कुछ ही दिन में रिव्यू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको अर्निंग यहाँ पे दिखाया है। ऐसे करके आप यहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जो बहुत ही ईजी मेथड है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और ये तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आप विड्रॉल ले सकते हैं और कैसे यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं।